ओवर वैल्यूड ऑफ स्टॉक। आपके बुक में एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 21 जो कि मैंने छुड़वाया था, बस यही रह गया था। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है ओवर वैल्यूड ऑफ स्टॉक का। ओवर वैल्यूड ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है ये भी देखते हैं एक बार, और इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी समझेंगे हम। सबसे पहले ओवर वैल्यूड का मतलब होता है मैंने स्टॉक को एक्स्ट्रा लिख दिया है। एक्स्ट्रा का मतलब सपोज मेरा स्टॉक था 100 रुपए का, लेकिन गलती से मैंने इसको 120 रुपए लिख दिया है। यानी जो स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू था उसको मैंने बढ़ा के लिख दिया है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, आपको सबसे पहले मैं कुछ ट्रेडिंग और पीएनएल बना के दिखाता हूं। मैं मान लो मैंने 31/3/2001, ध्यान से देखना, यहां पे एक ट्रेडिंग अकाउंट है और यहां पे एक बैलेंस शीट है। ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे ओपनिंग स्टॉक होगा और यहां बाय सेल्स होगा और परचेज होगा। मान लो ओपनिंग स्टॉक 100 रुपए, सेल्स 1000 रुपए का है और परचेज जो है वो 300 रुपए का है, एंड बाय साइड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा 300 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा 200 रुपए का। यहां से हमारा आंसर क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट ये 1200 रुपए है, ये भी 1200, और यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट जीपी निकल जाएगा 1200 में से 400 माइनस कर देंगे 800, और फाइनली जीपी बाय साइड में आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट और ये आ गया 800। और यहां पे लिखेंगे टू साइड में सैलरी। सैलरी सपोज करो 100 रुपए लिख दिया, अब इसका टोटल क्या आ गया 800 रुपए, इसका टोटल 800 रुपए। यहां पे एनपी निकल के आ जाएगा और एनपी 700, ट्रेडिंग अकाउंट जो आपने बनाया हुआ है। और इसके बाद ये मैंने बनाया आपके सामने बैलेंस शीट। यहां पे पहले से कैपिटल 2000 रुपए का है, ये नेट प्रॉफिट इसमें आके प्लस हो जाएगा और ये आ गया 700, यानी कैपिटल हो गया 2700 रुपए का, कैपिटल हो गया 2700। ये मैंने सारा डिटेल जो था वो मैंने डिटेल यहां पे बनाया हुआ है 2010 का, 2010 का मान लेते हैं इसे 2010 का, ठीक है। सारा का सारा डिटेल मैंने बनाया हुआ है 2010 का। 2010 का एक मैंने ट्रेडिंग पीएनएल और एक बैलेंस शीट। अब 2011 में आते हैं, 2011 में भी मैं एक ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बना लेता हूं। ये 2011 का है। अब 2011 में ओपनिंग स्टॉक क्या बता सकते हो, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा 2011 में, जो 2010 का क्लोजिंग होगा, यानी 200 रुपए। यहां का कैपिटल क्या होगा 2011 का, जो ये कैपिटल क्लोजिंग है ये 2700। यानी 2010 और 11 में कनेक्टेड है ये दोनों आइटम। बाकी यहां का परचेज क्या होगा वो ऐसा नहीं है कि पिछले वाले परचेज को देख के आप बता दो। बाकी यहां पे सेल्स क्या होगा हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ओपनिंग स्टॉक यहाँ का हम जरूर बता पाएंगे और यहाँ का कैपिटल बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो क्लोजिंग होगा अगले साल का ओपनिंग होगा और जो स्टॉक होगा वो जाके होगा।
यहां पे लिखा मैंने परचेज 1000 रुपए और मैंने लिख दिया सेल्स 2000 रुपए। 2000 रुपए ये आ गया, 2000 रुपए ये आ गया, और यहां भी क्लोजिंग स्टॉक डाल देता हूं मैं 300 रुपए सपोज, तो ये आ गया 2300। 2300 में से 1200 माइनस कर दे अगर हम, तो जीपी फिर से आ गया 1100। बाय आ जाएगा हमारा जीपी कितने का, 1100 रुपए का। जब बाय साइड में जीपी आ गया तो फिर से हम यहां पे मान लो टू सैलरी लिख देता हूं मैं 300 रुपए, यानी अब मेरा फिर से 300 या 400 कर देते हैं, प्रॉफिट क्या आ गया 700 एंड नेट प्रॉफिट। अगेन ये जाके इसमें नेट प्रॉफिट। अब मैं 2012 की बात करता हूं, 2012 में क्या हमें ओपनिंग स्टॉक पता चल पाएगा, पता चल जाएगा। क्या होगा 2012 का ओपनिंग स्टॉक एंड 2012 का कैपिटल भी पता चल जाएगा। अब जब मैं 2011 में पहुंचा, पहुंचने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि 2010 में मैंने कुछ गलती करा हुआ है। गलती ये करा हुआ है कि मैंने ये जो यहां का क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये मैंने 100 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिया था। मुझे कब पता चला ये बात, 2011 में। मैं 2010 में तो जा नहीं सकता, मैं जो भी रेक्टिफाई एंट्री करूंगा 2011 में करूंगा। अब अगर मैंने पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है, यहां पे लिखना कितना चाहिए था 100, अगर 100 लिखता तो इन दोनों का टोटल क्या आता और देन जीपी क्या निकल के आता, 700 रुपए का। यानी क्लोजिंग स्टॉक में क्योंकि 1100 में से हम टोटल माइनस करते 400 और जीपी निकल के आता 700, फिर इसके बाद जीपी यहां 100 माइनस करते तो नेट प्रॉफिट आता 600। यानी बिल्कुल सीधा सीधा कनेक्शन है कि अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा के लिख देते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ के आता है, सीधा कनेक्शन है। क्योंकि अगर मैं इसको काट के 100 लिखूं तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, कैपिटल पे भी फर्क डाल देता है ये, क्योंकि यही जाके कहां पे जुड़ जाता है, कैपिटल में। यानी अगर मैं इस एरर को नहीं करता तो मेरा नेट प्रॉफिट होता 600 और कैपिटल आज के डेट पे होता 2600, जो कि ये एज इट इज क्या हो गया, आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब मुझे पता अब चला है कि मैंने पीछे ये गलती किया है, अब मुझे यहां पर ठीक करना पड़ेगा ना करंट ईयर में। तो करंट ईयर में ठीक करने के लिए करंट ईयर के किस किस आइटम पे इंपैक्ट पड़ा होगा पीछे की वजह से, एक ओपनिंग स्टॉक पे पड़ा होगा और एक कैपिटल पे पड़ा होगा। यानी करंट ईयर में जो ओपनिंग स्टॉक मैं यहां पे 200 लिख रहा हूं, 200 नहीं लिखना चाहिए था, कितना लिखना चाहिए था 100 रुपए, यानी इसे काट के मुझे 100 लिखना पड़ेगा करंट ईयर में। यानी या फिर मैं 100 सीधा क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। और जो कैपिटल 2700 लेके चल रहा था, मुझे 2700 लेके नहीं चलना था, मुझे कितना लेके चलना था 2600। तो यही है आज का एडजस्टमेंट कि अगर हमारा कोई भी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो या अंडर वैल्यूड हो तो कैसे करेंगे। ओवर वैल्यू का तो समझ में आ गया कि करंट ईयर में दो जगह एंट्री पास कर देंगे, ठीक हो जाएगा। कहां कहां, एक ओपनिंग स्टॉक में और एक कैपिटल में, ये हमारा ठीक हो जाएगा। कंसर्न ये आता है कि मान लो ये अंडर वैल्यूड होता, वैसे बुक में क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूछता हूं। मान लो मैंने बोला होता कि इसे मैंने 50 रुपए कम लिखा हुआ है, तो ठीक करते अगर, तो ये कितना था 1250, प्रॉफिट कितना था और एनपी और कैपिटल। अब करंट ईयर में ठीक क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक में एड और यहां पर भी एड। यानी जब ओवर वैल्यूड होगा तो करंट ईयर वाले पार्ट में दो जगह एंट्री करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में और कैपिटल में। अगर ओवर वैल्यूड हुआ तो माइनस माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अंडर वैल्यूड हुआ तो प्लस करना पड़ेगा। तो ओवर वैल्यूड का अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो इस एडजस्टमेंट का
दो इम्पैक्ट हो सकता है, या तो स्टॉक दे सकता है हमें ओवर वैल्यूड का, या दे सकता है अंडर वैल्यूड का। अगर ओवर वैल्यूड का एग्जामिनर क्वेश्चन देगा हमें, तब भी दो एंट्री करेंगे, और अंडर वैल्यूड का दिया तो भी दो एंट्री जाएगा हमारा। एक तो हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक में और यहां भी, और बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में, लेकिन फर्क यह है ओवर वैल्यूड में माइनस हो जाएगा और यहां भी माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, और यहां प्लस हो जाएगा और यहां बैलेंस शीट में। कहां प्लस होगा? बैलेंस शीट के कैपिटल में। तो एडजस्टमेंट लिखना आपका स्टॉक के ऊपर, ये भी एडजस्टमेंट आ सकता है, जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 21 में है। एक बार 21 को देखो आप, 21 में अंडर वैल्यूड वाला है ओवर वैल्यूड वाला है, देखते हैं। ओवर कास्टिंग एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट कहता है इट वॉज डिस्कवर इन 1 अप्रैल 2016। अकाउंटिंग बोलता है 17 की करो, और ये पिछले साल की बात करता है कि 1 अप्रैल 2016 में इसको मिला, साल के शुरुआत में ही पता चला कि 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2000, देखो यहां पे आपको बोलता है कि आप अकाउंटिंग करके दिखाओ 1/4 2016 से लेके, ये हमारा करंट ईयर है, तो 31 मार्च 2016 कौन सा साल होगा? लास्ट ईयर होगा। 31 मार्च 2016 में वॉज ओवरकास्ट बाय 1000, हाउएवर नो एंट्री पास इन अप्रैल। कहता है 1000 रुपए से मेरा पिछले साल का स्टॉक बढ़ा हुआ था, 31 मार्च का स्टॉक का मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ था, तो इंपैक्ट हमें करंट ईयर में रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एक ओपनिंग स्टॉक में से क्या करना पड़ेगा? माइनस, और बैलेंस शीट के कैपिटल में से भी हमें माइनस करना पड़ेगा ओवर वैल्यूड ऑफ स्टॉक के नाम से। अब नोट करिए इसे आप।